Hi students, so a lot of you have asked me to share with you the details how to fill up the Kendriya Sainik Board Secretariat application for MBBS BDS seats. So since I was traveling yesterday, I had promised you that by today morning I will upload the video, so I thought I must guide you. So ye maine on screen Kendriya Sainik Board ki website kholi hui hai. और इसमें आप ये जो टैब आपको दिख रहा है बेनिफिट्स एंड कंसेशंस, इसमें आप जाएंगे और उसमें नीचे ये जो एमबीबीएस बीडीएस नॉमिनेशन है इसको आप फिल करेंगे। अब इस ये मैं आपको पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस समझा देती हूँ और मैं आपको पूरा वेबसाइट एक्सप्लोर करके भी दिखाऊंगी और मैं आपको इसकी मोटी मोटी गाइडलाइंस भी बताऊंगी, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा सो दैट आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई मिस्टेक ना करें। सो सबसे पहले कॉलम है चूज फाइल, आपने फाइल चूज करनी है जिसमें आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगाएंगे। अब इम्पॉर्टेंट ये है 4 MB से मैक्स ज्यादा आपका फाइल डॉक्यूमेंट का साइज नहीं होना चाहिए। आपका फोटो का डॉक्यूमेंट जेपीजी जेपीजी जीआईएफ पीएनबी पीडीएफ या डॉक फॉर्मेट में ही होना चाहिए। नाउ दिस इज वेरी नॉर्मल, आपको अपना कोर्स का नाम लिखना है। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो देखिए खाली एमबीबीएस बीडीएस खाली या एमबीबीएस एंड बीडीएस बोथ, तो आई वुड सजेस्ट कि आप दोनों के लिए ऑप्ट करें बिकॉज दोनों बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। अपना आप नाम डालेंगे, आपका नाम एग्जैक्ट वो होना चाहिए जो आपकी 10th और 12th की मार्कशीट में लिखा है। डेट ऑफ बर्थ अपनी आप डालेंगे, यहाँ से आप क्लिक करेंगे, डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट कर लेंगे एज पर योर रिकॉर्ड। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस ऑफ कैंडिडेट विद पिन, दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपके पास सारे लेटर्स इसी एड्रेस पर आएंगे। विद करेक्ट पिन अपना एड्रेस डालें, अपने फादर का नाम डालेंगे आप। रिलेशन विद सर्विंग और ESM, अभी मेरे पास कुछ क्वेरीज आ रही थी मेरे पिछले वीडियो पर कि क्या खाली एक्स सर्विस मैन के कैंप बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, नहीं सर्विंग पर्सनल के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब टाइप ऑफ सर्विस में आप डालेंगे बिकॉज ये डिफेंस सर्विस के लिए है, डिफेंस सर्विसेज में 3 विंग्स होते हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स, सो आपके फादर या मदर जिस भी सर्विस में है आप वो डालेंगे। सर्विस नंबर होता है जो कि ऑफिसर्स के लिए IC से शुरू होता है, JCO के लिए जूनियर कमीशन ऑफिसर्स के लिए JCO से होता है JC से होता है सॉरी, सो आप वो फिल करेंगे। उनकी आप रैंक फिल करेंगे, आपके फादर की या मदर की क्या रैंक है, मोबाइल नंबर फिल करेंगे, ईमेल आईडी फिल करेंगे, मदर का नेम एंड आपकी मदर की सर्विंग है कि रिटायर्ड हैं या विडो हैं, ये प्रायोरिटी आप देखिए। अगर क्लिक करते हैं विडो आ रहा है, फिर आपकी जो भी वाइफ आ रहा है, वार्ड्स ऑफ सर्विंग पर्सनल, जो भी आपकी प्रायोरिटी है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि 9 प्रायोरिटीज हैं, वो अभी मैं डिस्कस करूंगी दोबारा फॉर योर बेनिफिट। अब नेम ऑफ RSB रीजनल सैनिक बोर्ड, आपका कौन सा रीजनल सैनिक बोर्ड है वो आपके एरिया के हिसाब से डिसाइड होगा। आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली का, गोवा में है तो गोवा का, छत्तीसगढ़ में है तो छत्तीसगढ़, बिहार में है तो बिहार। सो ये करने के बाद आपने फिर नेक्स्ट पार्ट पर आ जाना है जो एजुकेशनल डिटेल्स हैं, आपके एजुकेशनल डिटेल्स, आपके क्या सब्जेक्ट से 12th में, कौन से बोर्ड से आपने किया, यूपी बोर्ड से किया, तमिलनाडु बोर्ड से किया, आपने CBSE से किया, ICSE से किया, अपने टोटल मार्क्स डालेंगे आप। और टोटल मार्क्स मतलब कितने मार्क्स का आपका एग्जाम था, टोटल अगर 500 मार्क्स का था वो डालेंगे आप। और मार्क्स ऑब्टेंड, आपके कितने मार्क्स आए, सपोजिंग एग्जाम्पल में 500 मार्क्स के आपके 100 मार्क्स के 5 पेपर्स थे तो टोटल मार्क्स आपके 500 हो गए, उसमें से जितने मार्क्स आपके आए वो आप यहाँ लिखेंगे टोटल। सपोजिंग हमारे एग्जाम्पल में 500 में से 480 मार्क्स आए आपके, सो 480 आप यहाँ लिखेंगे, 480 का ऑन 500 आप परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ लिखेंगे। आपकी क्या डिवीजन है, आपको पता है डिवीजन का क्राइटेरिया क्या होता है, 60% से ऊपर अगर मार्क्स हैं तो आपकी फर्स्ट डिवीजन है। पासिंग ईयर जो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही साल होगा, और कुछ रिपीट कैंडिडेट्स हैं तो उनका लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर जो भी 12th ईयर का पासिंग ईयर होगा वो आप डालेंगे। अब ध्यान से सुनते रहिएगा, ये यहाँ पर आपको नीट के मार्क्स डालने हैं, टोटल मार्क्स फिर से 720 जितने मार्क्स का आपका नीट एग्जाम होता है, कितने उसमें मार्क्स आए,
आपका क्या परसेंटाइल है? आई होप आप सबको ये पता है कि 50% से ऊपर वाले कैंडिडेट्स ही एलिजिबल होते हैं नीट काउंसलिंग के लिए। तो यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, अगर आप नीट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो तभी आप अप्लाई करोगे, नहीं तो आप नहीं अप्लाई करोगे। आप अपना रोल नंबर, कौन सा रोल नंबर? नीट वाला रोल नंबर यहाँ डालेंगे, अपनी ऑल इंडिया रैंक डालेंगे आप, फिर यहाँ पे चॉइस ऑफ स्टेट फॉर मेडिकल डेंटल कॉलेजेस इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। अब आप अपना कौन सी स्टेट के मेडिकल या डेंटल कॉलेज में आप पढ़ना चाहते हो वहां पे अपनी आप प्रायोरिटी डाल दोगे। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अपनी प्रायोरिटी ठीक से समझ के डालें, बिकॉज ये प्रायोरिटी के बेसिस पे और आपकी एक तो चॉइस की प्रायोरिटी के बेसिस पर और आपके फादर की क्या डिसेबिलिटी या डेथ के केस में आपको कौन सी प्रायोरिटी मिली है, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होंगे डिसाइड करने में कि आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज मिला है। देखिए ये तो शॉर्ट शॉर्ट है, अगर आपके पास प्रायोरिटी वन है, आपके फादर अनफॉर्चुनेटली डिजीज्ड सोल्जर हैं और वो एक्शन में उनकी डेथ हुई है तो आपको प्रायोरिटी वन है, फिर तो आप बेस्ट मेडिकल कॉलेज चूज करिए। अगर आप प्रायोरिटी फोर या प्रायोरिटी फाइव या प्रायोरिटी सिक्स में हैं तो ये गारंटी है कि शायद इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस हमें ना मिल पाए, बिकॉज बेस्ट जो है वो जनरली प्रायोरिटी वन और प्रायोरिटी टू में खत्म हो जाते हैं। फिर प्रायोरिटी थ्री वाले कैंडिडेट्स आते हैं जिनके फादर की या मदर की डेथ हुई है इन पीस टाइम, और प्रायोरिटी फोर वाले वो स्टूडेंट्स होंगे जिनके फादर डिसेबल्ड हुए हैं या मदर डिसेबल्ड हुए हैं इन पीस टाइम, और प्रायोरिटी फाइव वाले वो स्टूडेंट्स हैं जो गैलेंट्री अवार्ड है। तो जनरली जो पास्ट के ट्रेंड्स हैं उसमें ये देखा गया है कि प्रायोरिटी फोर तक सीट्स फुल हो जाती हैं, बट मैंने ऐसे मैजिक और ऐसे इंसिडेंट्स भी देखे हैं कि जहाँ प्रायोरिटी फाइव सिक्स तक भी कभी कभी बहुत अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हुआ है। तो आप ये अपनी जो मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की प्रायोरिटी हैं जो आप चॉइस डालेंगे, बहुत सोच समझ के अपनी फादर की क्या प्रायोरिटी थी उस हिसाब से आप डालिएगा, सो दैट आपको अच्छी सीट मिल जाए। मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगी थोड़ा सा स्टडी और रिसर्च करके, सो दैट आपको इसमें भी हेल्प हो जाए। अब देखिए इम्पोर्टेंट ये है, आपने डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मैं ऑलरेडी अपने सारे वीडियोस में उसका फॉर्मेट डाल चुकी हूँ, यहाँ इस केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट पर भी इनका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, तो आप उसी सर्टिफिकेट के एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट पर बनवाएंगे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। फॉर एक्स सर्विसमैन जिनके पेरेंट्स रिटायर हो चुके हैं वो सैनिक बोर्ड से बनवाएंगे, और उसको ओआईसी रिकॉर्ड से काउंटर साइन भी जरूर कराना है। ये ओआईसी रिकॉर्ड का जो होता है वो जेसीओज और अदर रैंक्स के केसेस में होता है, ऑफिसर्स का ओआईसी रिकॉर्ड नहीं होता है। नाउ पीपीओ ऑफ रिटायर्ड पर्सनल, अब आपके पेरेंट्स को जो पेंशन मिल रही होगी उसका डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे, जिसको पीपीए बोलते हैं उसकी आप कॉपी लगाएंगे। देन गैजेट नोटिफिकेशन, ये सबके लिए नहीं होगा पीपीओ, बिकॉज जो सर्विंग पर्सनल है उनको पीपीओ की जरूरत नहीं है बिकॉज उन्हें पेंशन नहीं मिल रही। फिर कुछ मेरे जैसे ऑफिसर्स हैं जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर थे, हमने 10 ईयर्स के लिए सर्व किया, हमें पेंशन नहीं मिलती, तो ऐसे कैंडिडेट्स के जिनके पेरेंट्स को पेंशन नहीं मिल रही उनको पीपीओ की चिंता नहीं करनी। देन गैजेट नोटिफिकेशन, सिर्फ जिनके पेरेंट्स को गैलेंट्री अवार्ड मिला है, वो गैलेंट्री अवार्ड की लिस्ट भी यहाँ दी हुई है कौन कौन सी एप्लीकेबल है, सिर्फ उसी में आपको ये अप्लाई करना है। कमेंडेशन कार्ड्स वगैरह गैलेंट्री अवार्ड में नहीं आते हैं। देन कैजुअलिटी डिसेबिलिटी डॉक्यूमेंट, कैजुअलिटी डिसेबिलिटी डॉक्यूमेंट एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है आर्मी से, वो जो ऑफिसर्स हैं उनके केस में MP5 MP6 से मिलता है। मैं ये पहले सब वीडियोस बना चुकी हूँ, आई होप आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, वो आपको लगाना होगा। या आप नहीं है तो आप अपने फादर का जो डिसेबिलिटी मेडिकल बोर्ड हुआ होगा, लास्ट मेडिकल बोर्ड हुआ होगा जिसको रिलीज मेडिकल बोर्ड भी बोला जाता है, उसमें भी डिसेबिलिटी मेंशन्ड होता है, आप फॉर द टाइम बीइंग उसकी कॉपी भी लगा सकते हैं, पर आपको प्रॉपर कैजुअलिटी सर्टिफिकेट, अगर आपके फादर बैटल कैजुअलिटी है तो बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा जिसमें लिखा जाता है कि इतने परसेंट डिसेबिलिटी है, और उसमें ये भी लिखा होता है कि डिसेबिलिटी इज एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस
एंड ये डॉक्यूमेंट जरूरी होगा। फिर आपकी 10th मार्कशीट इज नॉर्मल, आपको पता है, 12th मार्कशीट आपको पता है, नीट मार्कशीट आपको पता है। सो ये करने के बाद ये आप वेरिफिकेशन कोड डालेंगे, ये कैप्चा यहाँ पर दिया हुआ है, आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ ये यहाँ पर जहाँ एडमिशन इनटू एमबीबीएस बीडीएस कॉलेजेस लिखा हुआ है। तो अगर हम इस टैब को क्लिक करते हैं, ये देखिए ये आपका पूरा सर्टिफिकेट आ गया है, जो मैंने बोला था गैलेंट्री अवार्ड में सिर्फ परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, नौसेना मेडल, वायु सेना मेडल एंड मेंशन इन डिस्पैचेस ही कवर होगा। अब यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप इसको डाउनलोड करोगे, क्लिक करोगे। मैं इसको खोल देती हूँ एक बार, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आप देख लीजिए, आपको बिल्कुल ऐसा ही एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बनाना है। अगर आपको लगता है आपके सैनिक बोर्ड के पास कंप्यूटर, प्रिंटर, टाइपराइटर नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट आप ऐसा टाइप करवा के लेके जाएं और वहां से साइन करवाएंगे। और ये OIC रिकॉर्ड का भी काउंटर सिग्नेचर होगा। और ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिया हुआ है, ओनली फॉर सर्विंग पर्सन एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट विल बी साइंड ओनली बाय CO। तो ये एक्स सर्विसमैन के लिए मैंने बता दिया, OIC रिकॉर्ड करेंगे, और जो सर्विंग पर्सनल है उनके जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट साइन होगा वो उनके कमांडिंग ऑफिसर या ऑफिसर कमांडिंग साइन करेंगे। काउंटर सिग्नेचर का मतलब होता है साइन होने के बाद, देखिए साइन यहाँ पे होंगे जिला सैनिक बोर्ड के या रीजनल सैनिक बोर्ड के, और काउंटर साइन का मतलब होता है एक और सिग्नेचर, वो आप या OIC रिकॉर्ड से कराएंगे। OIC का मतलब है ऑफिसर इन चार्ज रिकॉर्ड्स, या जो सर्विंग पर्सनल के वार्ड्स हैं वो CO या OC से करवाएंगे। नाउ मैं आपको ये भी खोल के दिखा देती हूँ, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। अब इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में जो सब लिखा है वो सबसे पहले लिखा है, मैं बता चुकी हूँ, आप नीट क्वालिफाइड होने चाहिए, दैट मीन्स आपका 950 परसेंटाइल से ऊपर होना चाहिए परसेंटाइल, एंड आपकी एज इम्पोर्टेंट है, 17 ईयर्स होनी चाहिए एज ऑन 31 दिसंबर ऑफ दिस ईयर ऑफ 2021। आप उससे अगर कम के रह जाएंगे तो आप को नहीं एडमिशन हो पाएगा। देन 25 जो सन ऑफ सर्विसमैन एंड एक्स सर्विसमैन हैं, जो सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन के बेटे हैं, उनकी उम्र 25 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए इसको, इस कंसेशन या इस रिजर्वेशन को लेने के लिए। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपको ये पूरा का पूरा जो है सबमिट करना है ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन में, ये ऑनलाइन मोड में ये सबमिट करना है, कुछ भी ऑफलाइन मोड में आपको सबमिट नहीं करना है। एंड बहुत इम्पोर्टेंट, 30th नवंबर 2021 लास्ट डेट है। मैं इसलिए बार बार वीडियोस में बोलती जा रही थी अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, नहीं रेडी है तो अभी आप निकलिए घर से, रिजर्वेशन करिए, जहां भी जाना है जाके अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाएं और उसको काउंटर साइन करवाएं, बिकॉज लाइफ में ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। फिर अगर आपका इस बार छूट गया तो 1 साल आपका वेस्ट होगा। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, कुछ भी प्लीज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मत रखिएगा। एंड ये आपको उन्होंने इम्पॉर्टेंट फोन नंबर दिए हैं, मैंने खुद फोन किया था यहाँ पे ज्वाइंट डायरेक्टर एडमिशन एंड कोऑर्डिनेशन से, मेरी परसों बात हुई थी, तभी मैंने वो शॉर्ट वीडियो बनाया था, तो फोन उठाए जाते हैं, कुछ आपको डाउट है तो वो आपको क्लियर करना होगा। फिर ये देखिए, ये Priority 1 और Priority 2 में आपको डिजीज सोल्जर सर्टिफिकेट या बिग बुक इशूड बाय रिकॉर्ड ऑफिस मिलती है, वो छोटी सी बुक होती है जिसमें पूरा डिटेल्स लिखा होता है। अगर आपके फादर बैटल कैजुअलिटी थे, बैटल कैजुअलिटी क्या होता है कि अगर वो एक्शन में, मान लो किसी ऑपरेशन में, किसी मिलिट्री ऑपरेशन में उनको डिसेबिलिटी हुई है, तो एक यूनिट की तरफ से, जिस यूनिट में वो सर्व कर रहे थे, वहां से एक प्रोसेस इनिशिएट होता है बैटल कैजुअलिटी का, वो सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा, और नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है फिर लगाने की। बैटल कैजुअलिटी सबको डिक्लेयर भी नहीं किया जाता, कुछ ही लोगों को किया जाता है। एजुकेशन कंसेशन कार्ड ये सिर्फ उन्हीं के लिए है, ये सबको नहीं मिलता, जो मिलिट्री वाले बैटल कैजुअलिटी डिक्लेयर होते हैं उन्हीं के बच्चों के लिए एजुकेशनल कंसेशन कार्ड बनता है।
अगर आपके फादर बैटल कैजुअलिटी थे तो आपको ये एजुकेशनल कंसेशन कार्ड बनाना होगा, वो मैंने ऑलरेडी उसका फॉर्मेट अपने वीडियोस में डाला हुआ है। फिर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का आपको ऑलरेडी मैंने दिखा दिया है फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट में आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, प्रायोरिटी 1 से प्रायोरिटी 7 सबको चाहिए ये। पीपीओ मैंने आपको बता दिया है कि जो पेंशनेबल वो होंगे उन्हीं के लिए पेंशन रिकॉर्ड बुक होगी। विडो आईडी कार्ड वही रीजनल सैनिक बोर्ड से बनता है, इसी वेबसाइट पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी अगर आपने विडो आईडी कार्ड बनवाना है तो। ईएसएम आईडी कार्ड इज ईएसएम मतलब एक्स सर्विसमैन आईडी कार्ड, वो भी एप्लीकेशन इसी वेबसाइट पर है। ईसीएचएस कार्ड सारे ईएसएम जो एक्स सर्विसमैन होते हैं ये उनका बनता है। ईसीएचएस एक मेडिकल फैसिलिटी होती है जिससे कि आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके या ईसीएचएस में जाके अपने आप को दिखा सकते हैं, आपको मेडिकल प्रॉब्लम्स है तो। आधार कार्ड आपको पता है, मार्कशीट्स आपको पता है, डेथ सर्टिफिकेट आई एम श्योर होगा, सर्विस सर्टिफिकेट अगर वो सर्विंग कर रहे हैं, अगर वो सर्विस में हैं आपके फादर या मदर तो आप अपने सीओ कमांडिंग ऑफिसर, वो अपने ऑफिसर कमांडिंग से ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं कि ये इनका नंबर है और ये इनका नाम है और ये सर्विस में है, यहाँ पर अभी जॉब कर रहे हैं। सीटीसी कॉपी ऑफ शीट रोल शोइंग फैमिली डिटेल्स अलोंग विद पार्ट टू ऑर्डर। देखिए ये क्या होता है, आर्मी में जो भी होता है डिफेंस सर्विसेज में, आपके आप पैदा हुए, आपके पेरेंट्स की शादी हुई होगी, उन्होंने कभी घर खरीदा होगा, तो ये सब चीज का एक पार्ट टू ऑर्डर हमेशा पब्लिश होता है यूनिट में कि इतने दिन का छुट्टी लिया, इतने दिन का राशन लिया, इतना इनका लीव बैलेंस है, तो वो पार्ट टू ऑर्डर की कॉपी आपको यूनिट जहां पे भी आपके फादर पोस्टेड हैं या आपकी मदर पोस्टेड है वहां पे आपको मिल जाएगी। एंड आई एम श्योर वो आपके पेरेंट्स के पास भी होगी, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इट इज अ वेरी रेगुलर फीचर। सो प्लीज कीप शेयरिंग द वीडियो विद ऑल अदर कैंडिडेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स एंड कीप लाइकिंग द वीडियोज बिकॉज योर कमेंट्स एंड योर लाइक्स एनकरेज मी टू कीप डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च एंड ब्रिंग यू दीज फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सो दैट आई फील कीप फीलिंग मोटिवेटेड